इस टाइम पे देखो जिनका नाम होता है ना वो कंट्रोवर्सी में यार गिरते रहते हैं। ये तो ऑब्वियसली जी बात है, सार्जन भैया ने इतनी मेहनत की है, मेहनत करने के बाद में उन्होंने नाम कमाया है। 2024 कावड़ यात्रा से उन्होंने पूरा अपना फ्रेम कमाया है, तो उनके पीछे भाई बहुत सारे डीजे सेटअप्स पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अभी तक आप देख चुके होंगे उसके पीछे, क्या डीजे सार्जन डर चुका है, क्या डीजे सार्जन पावर म्यूजिक आने से डर चुका है, इस तरीके की वीडियो भाई पोस्ट पे पोस्ट हो रही है। 2025 के लिए कोई नया रोड शो बुक कर लिया हो तो जो भाई हमारी वीडियो बना रहे हैं कि डर गया वो हो गया, उस तरीके की वीडियो ना बनाएं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके मन में से अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, क्या डीजे सार्जन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जिंदगी है जय श्री राम हर हर महादेव। दोस्तों आज जो है माहौल थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है एक चीज़ की पोस्ट देखकर, जो कि बहुत बड़ी पोस्ट है यार हमारे लिए, तो हम नहीं ये चीज़ सोच सकते थे जो आज हम देख रहे हैं। वो क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस चीज़ को देखकर, क्योंकि मैं बहुत खुश था अभी तक कि आने वाले 2025 कावड़ यात्रा में एक धमालदार सेटअप और धमालदार कंपटीशन हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन आज सुबह, जब रात तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आज सुबह एक पोस्ट, सिर्फ एक पोस्ट को देखकर जो मेरे पे बहुत ज़्यादा आ रही थी, तबादम मैसेज आ रहे हैं जिसके, उसको देखकर कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। और कितना बुरा लगा ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, जता नहीं सकता, क्योंकि मन में बहुत ठेस पहुंची है। और उसी के ऊपर भाई काफ़ी सारी वीडियोस आ रही हैं, तो सभी को रिप्लाई देने के लिए आपका भाई ये वीडियो बना रहा है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अभी तक आप देख चुके होंगे उसके पीछे, क्या डीजे सार्जन डर चुका है, क्या डीजे सार्जन पावर म्यूजिक आने से डर चुका है, इस तरीके की वीडियो भाई पोस्ट पे पोस्ट हो रही हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ भाई, डीजे सार्जन किसी भी उससे नहीं डरता है। डीजे सार्जन अपने आप में ब्रांड है भाई, अपने आप में ब्रांड है। लेकिन वो कावड़ यात्रा 2025 में क्यों नहीं आ रहे हैं, कल रात उनकी एक पोस्ट आई है, कम्युनिटी पोस्ट उन्होंने की है अपने यूट्यूब चैनल पर, कि इस बार कावड़ यात्रा में वो नहीं आ रहे हैं। और मैं एक बार आपको पूरा वो बता देता हूँ कि क्या कम्युनिटी पोस्ट की है डीजे सार्जन वाले भैया ने, मैं इस वीडियो के लास्ट में भी लगा दूंगा, जिन जिन भाइयों ने नहीं देखी है वो भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार कम्युनिटी पोस्ट बता देता हूँ कि क्या कम्युनिटी पोस्ट आई है। आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, 2025 कावड़, 2025 में डीजे सार्जन हरिद्वार नहीं जा रहे हैं। और अब हर बार की तरह 2025 में फिर एक कोई नई जगह जा सकते हैं, यानी कि कोई नई लोकेशन 2025 में चुनने को मिल सकती है, या हो सकता है कि 2025 की कावड़ यात्रा के अलावा उन्होंने कोई 2025 के लिए कोई नया रोड शो बुक कर लिया हो, तो जो भाई हमारी वीडियो बना रहे हैं कि डर गया वो हो गया, उस तरीके की वीडियो ना बनाएं और ना कुछ करें। मैं सभी भाइयों से, सभी बड़े और छोटे यूट्यूबर भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आगे से कोई भी मेरे बारे में ऐसी वीडियो ना बनाए जिससे कि आगे जाके कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो और नॉर्मल और माहौल ख़राब हो, यानी कि कोई भी कंट्रोवर्शियल वीडियो, जैसे कि अब पोस्ट आई रही हैं आप देख रहे हो भाई, जैसे ही कम्युनिटी पोस्ट, ये वाली कम्युनिटी पोस्ट आपने देखी होगी बहुत सारे भाइयों ने, जैसे ही ये कम्युनिटी पोस्ट आई उसके बाद काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, जो कि भाई बहुत सारी वीडियो यार, सभी लोग ये कह रहे हैं डर गया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, डीजे सार्जन किसी से नहीं डरता यार, डीजे सार्जन बहुत ही बेस्ट डीजे है और वो डरता किसी से नहीं है। लेकिन भाई ये नहीं बता सकते कि हरिद्वार कावड़ यात्रा 2025 में क्यों नहीं आ रहा है, वो तो देखो हो सके तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अब झारखंड जाकर और आप सबको सार्जन भैया से ही मिलकर वो चीज़ बता सकता हूँ कि क्यों नहीं आ रहे हैं वो कावड़ यात्रा 2025 में। भाई कोशिश रहेगी मेरी जाने की झारखंड, अगर मैं जा पाया तो मैं झारखंड फिर से जाऊँगा। और जो भी भाई इस साल हरिद्वार जा रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लग, यानी जो भी भाई उनके कावड़ या डीजे सेटअप, जैसे पंकज डीजे या कोई भी सेटअप हरिद्वार आ रहे हैं, तो उनको बेस्ट ऑफ लक भी बोला है। और भाई लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुख हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि यार अगर डीजे सार्जन नहीं आए तो कहीं ना कहीं वो क्रेज़ नहीं रहेगा, जो कि क्रेज़ अभी तक भी चल रहा था कि 2025 में डीजे सार्जन देखने को मिलेंगे, वो क्रेज़ भाई
कहीं ना कहीं अपने जी को ठेस पहुंचानी पड़ेगी और अपने आप को रोकना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल है, इस कम्युनिटी पोस्ट को आप ज़रूर देखिएगा, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ इसका। मेरे को भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और मैं उन सभी को ये रिप्लाई दे रहा हूँ कि भाई कोई भी गलत थंबनेल बना के मत लगाओ, और ये मत लगाओ कि भाई डीजे सार्जेंट डर गया या वो हो गया, इस तरीके का कोई भी मत डालो प्लीज़ यार। बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्या पता डीजे सार्जेंट अब भी आ जाए, अभी कोई उम्मीद नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोशिश हो सकती है, या डीजे सार्जेंट वाले भैया ने इसलिए ये कम्युनिटी पोस्ट डाली हो जिससे कि जो चर्चाएँ चल रही हैं पुलिस प्रशासन या कोई भी उसको लेकर सख्त ना हो, ये भी हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आप प्लीज़ अभी वेट कीजिए, जल्दी आपको कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलेगा, या कोई ना कोई भाई अपने YouTube चैनल पे या सार्जन भैया खुद अपने YouTube चैनल पे आपको ये सारी अपडेट देंगे। और हम तो रियलिटी में ये चाहते हैं कि डीजे सार्जन आना चाहिए, मतलब आना चाहिए भाई। डीजे सार्जन अगर नहीं आया वाले भैया यानी हमारे शिव नारायण मातो भाई वहाँ पर नहीं आए, तो जैसा माहौल पिछली बार रहा है कांवड़ यात्रा का, जितना इंटरेस्टिंग पिछली बार रहा है, शायद 2025 फिर उस तरीके का ना जा पाए। तो इंतज़ार है भाई सार्जन भैया के रिप्लाई का, और मैं चाहता हूँ, पर्सनली चाहता हूँ कि वो आएँ और मिलें, सारी चीज़ हो भाई, कहीं ना कहीं सभी लोग इंटरेस्टेड हैं। विवेक अम्बेडकर नगर भाई बहुत ज़्यादा चीज़ हैं, ये क्या ही बता सकते हैं, और मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर ना एक्साइटेड जिसको कहते हैं ना एक्साइटेड, मैं रोज़ व्लॉग बना रहा था, हर चीज़ की तैयारी चल रही थी, पूरे माहौल में केवल पावर म्यूज़िक और वो ही हो रहे थे कि पावर म्यूज़िक और डीजे सार्जेंट, पावर म्यूज़िक डीजे सार्जेंट, पावर म्यूज़िक डीजे सार्जेंट, इसी तरीके का माहौल चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कल रात की कम्युनिटी पोस्ट ने सारा माहौल चेंज कर दिया है। अभी इस चेंज में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या हम डीजे सार्जेंट और पावर म्यूज़िक का इस बार कांवड़ यात्रा 2025 में कॉम्पिटिशन देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, अभी उसको डिसाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत ही जल्द अगर कोई इंटरव्यू आता है या कुछ भी आता है, कोई अपडेट आती है, तो आप सबको पता चल जाएगा, या हो सकता है कि आप सबके लिए कोई सरप्राइज़ भी हो सकता है। देखिए अभी इस चीज़ को ना खुलकर नहीं कहा जा सकता जब तक बिल्कुल क्लियरेंस ना हो जाए, क्योंकि सार्जन भैया ने तो अपनी तरफ से साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन मना का कारण बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मना का कारण बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सी भी हो सकती हैं, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी में इस टाइम पे देखो जिनका नाम होता है ना वो कंट्रोवर्सी में यार घिरते रहते हैं, ये तो ऑब्वियसली जी बात है। सार्जन भैया ने इतनी मेहनत की है, मेहनत करने के बाद में उन्होंने नाम कमाया है, 2024 कांवड़ यात्रा से उन्होंने पूरा अपना फ्रेम कमाया है, तो उनके पीछे भाई बहुत सारे डीजे सेटअप्स पड़े हुए हैं, तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी भी फैल रही है और बहुत सारे चीज़ें हो रही है, तो उसके चलते हुए भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। पिछली बार आपने 2024 की कांवड़ यात्रा देखी ही, शायद उस चक्कर में अब की बार डीजे सार्जन वो चीज़ ना कर रहे हों पहले बताने की या कुछ भी जाहिर करने की, तो देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बताना कि आप क्या चाहते हो, कि डीजे सार्जन 2025 कांवड़ यात्रा में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। मेरा मन बहुत ज़्यादा है, मैं अपने आप को बता देता हूँ, लेकिन आपके कमेंट सेक्शन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए और सभी के लिए मायने रखता है कि यार 2025 में उनको आना चाहिए। 2025 में अगर वो आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा क्रेज़ देखने को मिल जाएगा, जहाँ की पावर म्यूज़िक वगैरह सारे कंपटीशन करने के लिए तैयार रहेंगे ही रहेंगे, और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को लेकर। आप सब भी एक्साइटेड रहिए, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके मन में से अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, क्या डीजे सार्जन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यार बहुत ये जब से एक देखी है ना कम्युनिटी पोस्ट, जब से मज़ा नहीं आ रहा, और अब इसके ऊपर क्या ही वो बता सकते हैं, जब तक सार्जन भैया खुद अपनी तरफ से नहीं बोलेंगे खुद, तो कुछ भी कोई भी चीज़ नहीं बता सकते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव।